फ्रेंड्स, मैं मनोज यादव यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो विशेष वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो डॉक्टर लाल पैथलैब में फ्रेंचाइजी पे काम करते हैं, या न्यू जो स्टूडेंट है, या फिर मतलब न्यू जो स्टाफ है उनके लिए है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट पे ये बना रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है इसको ना पूरा देखोगे आप पूरा एंड तक, तब इसमें आपको समझ में आएगा। मैं आज बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन साइड में हमारे में चेंजिंग हुआ था। तो पहले जो था कुछ था, और अब थोड़ा सा कुछ उसमें चेंजिंग हुआ है, वो चेंजिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। कैमरे को लाइएगा इस सामने इधर, ठीक है। अब ये हमारा है न्यू रजिस्ट्रेशन साइड, ये हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन साइड दिख रहा है आपको। तो इसको हम खोल देंगे, इस तरह से कुछ खुलेगा। आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालनी है जो भी है, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है जो भी है। उसके बाद यहाँ एक कैप्चर करने का बोलेगा, तो इसमें कैप्चर करने का जो भी आएगा आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें डालेंगे हम 89CMCE, तो सारा छोटा है इसमें, CMCE ये कैपिटल हो गया है, छोटा वाला डालना है हमें। तो इसको हम कैप लॉक्स कर लेंगे, रोक लो ये CMS हो गया, इस तरह से आपको खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शर्ट का है, आप मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हो, और इसमें सामने आपके टेस्ट के कोड भी आ रहे होंगे, जो भी टेस्ट सेट आपके हैं इसमें आपके कोड के साथ टेस्ट के नाम के साथ लिखा हुआ है, प्राइस भी लिखा हुआ है कौन सा है। ये हमारा ऑर्डर हिस्ट्री है जो सेम पहले था, ऑर्डर हिस्ट्री में जो करना चाहते हो आप वो आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब कि चूँकि ये जो प्रिंट और इन्वॉइस था वो हमारा मोर में था पहले, किस में था, मोर में, तो इसका हमने सामने दे दिया है। यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, लैब नंबर चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, इनवॉइस है, ये इनवॉइस का कर सकते हो, लैब नंबर, लास्ट नेम, और ये है एसएमएस रिपोर्ट। किसी को आपको मेल करना है, ठीक है, तो लैब नंबर चाहिए होगा। यहाँ हम प्लीज़ सर्च विद ऑर्डर लैब नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे हम उनका लैब नंबर डालेंगे तो हम यहाँ पे सर्च हो जाएगा। उसके बाद है एरर लॉक्स, जो एरर लॉक्स कुछ वगैरह होता है तो वो उसमें आता है। ये हमारा पहले प्राइस उसमें था मोर में, यहाँ डाल दिया गया है, बिल्कुल सब सेम है। उसके बाद ये जो हमारा मोर में अब जो चीज़ दे दी गई है, ड्रॉप सैंपल पहले था, MIS रिपोर्ट पहले यहाँ पर था, उसको यहाँ सेट कर दिया है, RSR है, और ETRF, ये जो आपके ETRF हैं, यहाँ आपको जो भी TRF चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। MIS रिपोर्ट का आपका है, ये है आपका डिटेल रिपोर्ट्स, जो आपने रजिस्ट्रेशन आज किया है उन सब का इसमें डिटेल रिपोर्ट, और भी चाहिए आपको और भी मिल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर एक और पेज नंबर दो ऐसे खोल सकते हो। उसके बाद सेंटर की डिटेल है ना, कितना सेल हुआ है, क्या सेल हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कार्ड पेमेंट हुआ है और कैश आपने रिसीव जो किया है, वो सारी डिटेल आपको इस तरह से आएगी। अभी आज हमारा कोई कार्ड रिसीव नहीं हुआ है, पेशेंट कितने आए हैं वो आपको दिख जाएंगे, सीनियर सिटीजन कितने हैं वो आपको दिख जाएंगे, और टोटल सेल आपको भी दिख जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमारा जो एक ऑप्शन आता है, उसके बाद आता है ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कोई अगर आपको ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आप लैब नंबर डालिए और सर्च कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बैड रजिस्ट्रेशन, इसकी तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, यहाँ पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है LMP कैलकुलेटर। अब यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो डेट ऑफ अल्ट्रासाउंड रन, डेट ऑफ सैम्पल, जो भी आपका है। LMP तो समझते हो किस में यूज होता है, LMP आपका डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर में आपका LMP कैलकुलेट होता है। तो इसमें अगर हमें किसी से भी कैलकुलेट करनी है, गैस्टियन से करनी है, कैसे करनी है, तो इसको हम यहाँ से खोलेंगे और उनका यहाँ पे जो भी उनका होगा वो ऐसे करके डाल देंगे, तो यहाँ पे आपकी डेट दिख जाएगी इस तरह से, देख रहे हो, ये डेट ऑफ सैम्पल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर जाएंगी ये इस तरह से। और भी इसमें ऑप्शन है, टेस्ट कैन बी डन गैस्टियन एज इन द टाइम ऑफ सैम्पल, LMP अकॉर्डिंग टू USG उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस पूरा है ये, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका सेंटर का डिटेल होगा, लैब नंबर होगा, बेयर हाउस, इनवॉइस कोड, बेयर हाउस को ही हम अपना बोलते हैं, सेंटर का कोड जो होता है हमारा CC, जैसे कहीं का भी है 7135, ठीक है। लैब आपका कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, किस में टेस्ट के लिए जाता है, S53, इनवॉइस नंबर जिसका जो हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे PSC ये लिखा हुआ है तो PSC हो सकता है, बैच ये आपका आ गया पूरा इस तरह से डिटेल, LPL, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे जो टेक्नीशियन होगा उसका डिटेल, यहाँ पे व्यू उसकी डिटेल देख सकते हो, सेंटर डिटेल देख सकते हो, क्रेडिट देख सकते हो,
ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, उनका नाम आएगा, फिर टेस्ट सेलेक्ट कीजिए, वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।